हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिसेस रंजन ब्लॉग्स। और आज है दूसरी सोमवार, तो आज मेरा व्रत है, आज मेरा फास्टिंग है। और पहला वाला हम नहीं किए थे, ये वाला कर रहे थे। अभी आप देख सकते हैं आप लोग कि अभी हम तैयार हो चुके हैं मंदिर जाने के लिए। तो सबसे पहले हम अभी घर में पूजा करेंगे, फिर जाएंगे मंदिर। और मेरे साथ जा रहे हैं मेरे महादेव जी। सही पकड़े हैं, मैं हूं इनका पति देव। महादेव जी तैयार होके रेडी हो चुके हैं, अब हम लोग पूजा करेंगे फिर निकलेंगे। ये है मेरी पत्नी, मैं हूं इनका पति देव। अगर ये भूखे रहेगी तो मैं कैसे खा सकता हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये मुझे भी इनके साथ 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 निभाने के लिए हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके 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 करना पड़ेगा। ये कहे या ना कहे, ये कहे ना कहे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जैसा रहे वैसा ही मैं रहूँ। जैसा गौरा वैसा वैसा शंकर। और पीला के साथ खाना बताइए जरा, कौन ज्यादा स्मार्ट और कौन ज्यादा पीला, बताइए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बता ही दीजिए कि हम दोनों में से कौन ज्यादा सुंदर है, कौन ज्यादा स्मार्ट है। ये तो मेकअप लगा के, ये तो मेकअप लगा के सुंदर बनी है। और हम लोग को क्या है, एक शर्ट एक पैंट डाल दिए और बाल ठीक कर लिए, बस हो गया। लड़का लोग ऐसे ही सुंदर होता है, हम लोग को मेकअप की जरूरत नहीं। मतलब कि इन्होंने पहले ही कह दिया कि मैं सुंदर हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या। और हम लोग अभी जा रहे हैं गरीबस्थान मंदिर मुजफ्फरपुर का। तो धाम है, आप लोग देखे ये बाबा धाम है। पिछला ब्लॉग में आप लोग देखते हैं कि कितना भीड़ रहता है, बहुत। अभी भी शायद पता नहीं भीड़ होगा ना, अभी भी कम होगा, कम होगा होगा फिर। तो हम लोग अब निकल रहे घर में, पूजा कर लिए हैं और हल्का हल्का बारिश होने लगा है, फिर भी निकलना चाहिए, हम लोग को निकल रहे हैं। वहाँ भी तो बंद है, कल रात जैसा तो भीड़ अभी नहीं है यहाँ पे, देख सकते हैं खाली है। हम जितना सोच के आए थे कि बहुत ज्यादा भीड़ होगा, बट बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, पूरा आधा से ज्यादा खाली हो गया है, पूरा ऐसा दुकान भरा हुआ था करीब। आधा भी नहीं है, आधा भी नहीं है, मैं भी थोड़ी बोल रही हूँ, आधा से ज्यादा खाली हो चुका है। वो मैं जाते रहता था, अभी आराम से जा रहे हैं। तो मेरे साथ साथ ये भी फास्टिंग रखते हुए है, पहले रखते थे बीच में छोड़ दिए थे कि आज रखे है बहुत दिन बाद, पता नहीं क्या मूड, अब कौन सा मूड में किया अब इन्हीं को पता है। Thank you.
चुके हैं, ज्यादा भीड़ नहीं था इसलिए जल्दी जल्दी हो गया। आरती के साथ ही पूजा हो चुका है, देख सकते हैं ज्यादा भीड़ नहीं है, दिखा नहीं पा रहे हम आपको। अंदर जाने के लिए मना है, बाहर से जल चलाना पड़ रहा है, अंदर जाना बहुत भीड़ होता है इसलिए अंदर जाना अलग नहीं है। वाह, प्रसादी दिया गया, दिया जा ठीक है। तो देखिए इनको केला मिला है, केला ले आए, कुछ ले नहीं है। अब इतना हिम्मत नहीं है हम लोग को, लगाएंगे कर लीजिए हिम्मत करके, नहीं है हिम्मत नहीं। मंदिर आए पैसे नहीं लाए हैं बेटा, ना लाएंगे, खाली तर गाड़ी से आए फोटो की थी, एक तो फोटो ले लीजिए और मैं पेन का फोटो खिंचवाना हूं। 20 रुपए याद है, कौन पहना देगा, हम नहीं पहनेंगे। और चला चला होगा फोटो खिंचवाना चला के अभी ना बहुत लगे 1 रुपया बाप रे। आप फिर से आओ, क्या बोल रहे आप, लंबे लग रहे हैं क्या लग रही है आज, ही हमसे लंबे लग रहे हैं, रोज हम लंबे लगते हैं, आज ये लंबे लग रहे हैं। वीडियो में थोड़ा सा मत करिएगा क्योंकि ये आगे पीछे होने की वजह से ऐसा हो भी जाता है। नहीं, आगे नहीं, हम लंबे तो लंबा दिखेंगे, हम पीछे नहीं जाते, पता चलेंगे जी। नहीं, हम लंबे, आप लंबे नहीं, कभी भी दोनों बराबर। कभी सुना है आपने कि वाइफ जो है अपने हस्बैंड से लंबी हुई हो? हम लंबे नहीं है आपसे, बट आपका सेम सेम है। अभी घर से निकल रहे थे तो इतना बारिश हो रहा था, अभी आटे के साथ कितना धूप है देखिए, लग तो रहा था कि भीग कर आएंगे लेकिन लग रहा है सूख के भीग के जा रहे हैं, पसीना का हर कितना है कि पानी के जगह पसीना हो गया है। सही समय पे आए हैं, कोई समस्या नहीं हुआ, आराम से लाइन लगे, आप फटाक जल पे चढ़ा लिए, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। और साथ में मैंने प्रसाद भी पाया जो कि मैं जाते वक्त ले लिया हूँ, पहली बार मैंने ऐसा किया, ऐसा लगा कि जैसे मैं अब सीख रहा हूँ कि कैसे पूजा पाठ किया जाता है। आगे भी इम्प्रूवमेंट मिलते रहेगा जिसको कि आपको वीडियो के माध्यम से पता चलते रहेगा, ठीक है ठीक। बहुत कुछ हम सिखाए हुए हैं आपको, भुलक्कड़ बाबा हैं, भोले बाबा वैसे भुलक्कड़ बाबा होते हैं। हाँ, मेरे भोलेनाथ काफी है, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। तो आप बताइए सांप को लपेटने के बाद पूरी बात थी, उसे याद नहीं लगे थे, हम भूल गए थे, हम ताके ही नहीं है कि मेरे गर्दन में क्या है, हम बस ऐसे सीधा ताक रहे थे,
हम नीचे ताके नहीं कि मेरा गला में था क्या, हम तो जब फन उठाता तो मर जाता, नहीं उठा रहा नीचे दिखता है, हाँ फन उठाता तब न मर जाता, नीचे दिखता हुआ था, जो भी हो गया, कुछ नहीं होता ऐसे ही, अब हमको हिम्मत आ गया, अब हम कर लेंगे, दोबारा भी कर लेंगे, हम फर्स्ट टाइम गर्दन में सांप लटकाए हैं ऐसे। तो हम मंदिर से आ गए हम लोग, और श्रुति को अभी कुछ नहीं खाना है, तो श्रुति को भूख लग गया तो बोली मम्मी को रोटी बना दीजिए, रोटी खा के जाएंगे, हम रोटी बना दे रहे, क्या हुआ, इतनी बड़ी हो चुकी है लेकिन फिर भी अपना दो रोटी नहीं बना सकती है, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की है, 3 बज गया है जा सकती हो, 3 नहीं बजा है, 3 बजने वाला है, कॉलेज है लेकिन क्लास तो बोल दीजिए, कॉलेज में है ना, तो जरूरी थोड़ी कि सबको सब कुछ आ जाएगा, क्यों नहीं आया, हम रोटी बना रहे हैं नाश्ता, ऐसे हम लोग के यहाँ तो 12th तो कॉलेज नहीं स्कूल ही होता है, पापा शरबत बनाएंगे अभी हम लोग दोनों के लिए, हम दोनों शरबत पियेंगे, आज पहली बार हमको शरबत बनाने नहीं, पहली बार नहीं, चम्मच नहीं डाली ना, बहुत ज्यादा 5 चम्मच हम लोग अंदाजा था कि आप डिमांड करोगे, इसलिए हम लोगों ने है ना पहले ही समझदारी का काम किया कि हम लोग हम लोग जानते हैं, नहीं छुट्टी कहा है ना, डिमांड नहीं मिला, जब दिल्ली में थे तो हमको खाना बनाने के मन देता था, खुद बनाते थे, वाला वाले जैसे तैसे बनाते थे लेकिन बना लेते थे, कोई ये नहीं कह सकता था कि खराब बना, नहीं नहीं हम बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, एक बार हम लोग के घर में आलू का पराठा बनाई थी याद है जी, ट्राई करके देखे, बनाए भी नहीं और सिखाए भी थे जी, नहीं वो हुआ था क्या, सब कुछ तो मम्मी करके गई थी, मसाला वसाला सब, आलू वालू आटा वाटा सब था, हमको बस भरने नहीं आ रहा था, उससे हमको खाना बनाने नहीं आता था, तो हमको बस भरने नहीं आ रहा था, तो कोई मतलब मौसा जी तुम्हारे सिखाए थे, सिखाए ना भरना ही, तो मेन तो वही है भरना ही है, हम भर रहे थे वो भर जा रहा था, भर रहे तो फुल के निकल जा रहा, यही तो कला होता है, यही तो सीखने की चीज होता है, जो की आप लोग को नहीं आता है, अरे पति ही को बता सकता है, वो ऐसे तो बता नहीं सकता, इसीलिए पति का गुणगान गाइए, ठीक है, गाइए गुणगान, हे पति भोलेनाथ, अगले जितना भी मेरा जन्म हो उतने जन्म में मुझे यही पति चाहिए, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, ऐसा नहीं लेकिन थोड़ा सा सुंदर बना के दीजिएगा, थोड़ा सा हाइट थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, नेक्स्ट बार सुंदर बना दीजिएगा, नहीं सुंदरता ठीक है, थोड़ा सा हाइट बढ़ा दीजिएगा, बड़े बड़े उपकार हुआ क्योंकि मैं चिकना और मेरा भोला कहता पहाड़ी वाला, देखिए हम बोल रहे थे हम पराठा बनाएंगे, आई लगी लड़की पराठा बनाने, ये पराठा बना रही, दिल सबका पराठा बना रही, पराठा बना रहे या अपने पति का दिल बना रही है, वही तो पति का टूटा हुआ दिल लेके आ रही है, नहीं लड़ी शरबत बना रहे, बना सकते अवश्य, तब हम लोग पी सकते हैं क्या, और आप अपने दर्शकों को खिला सकते हैं क्योंकि आधे गिलास मैंने उन लोगों की एक्स्ट्रा बनाया है, वाह, लेकिन उसमें ही आधे गिलास में एडजस्ट करना उन लोगों को, रिफंड में इतना ही मिलता है, आप तो टेस्ट करके नहीं देखे थे, देख लीजिए फिर पीजिए, नहीं पीने बोले, अरे जाए आपको पीने के बाद प्रणाम, इधर ही फिर बोले, अरे क्या ये तो लग रहा है तीज हो रहा है, करवा चौथ का व्रत, साबूदाना बना रहे हैं, तो फलहारी करने के बाद हम फिर चाय पी लेंगे, उसके बाद आज जल्दी सब खाना भी बन गया है, तो जल्दी जल्दी आज काम खत्म हो गया है, तो क्या करेंगे, फोन चलाएंगे उसके बाद, क्योंकि सोएंगे तो इतना जल्दी तो हम लोग नहीं सोते हैं, हमको तो नींद नहीं आता है, एटलीस्ट 11 बजे से पहले हम सो ही नहीं पाएंगे, फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पर ही खत्म कर रहे हैं,
ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को, आप लोग कमेंट करके जरूर बोलिएगा। और आप लोग में से कौन कौन फास्टिंग रखा है, सेकंड सोमवारी का कौन कौन रखा था, आप लोग जरूर बोलिएगा कमेंट करके। और आप लोग सोमवारी मतलब कहीं घूमने गए थे सोमवारी में, या कहीं अभी जैसे सावन का महीना चल रहा है, तो कौन कौन आप लोग में से काशी विश्वनाथ गए हैं, या वो कौन सा देवगढ़ गए हैं, या कहीं भी कोई भी धाम गए हैं, तो केदारनाथ गए हैं, तो आप लोग को जो मतलब जो भी जहाँ गए हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बोलिएगा। जो गरीब स्थान गए हैं तो जरूर बोलिएगा, जो यहाँ का जो गरीब स्थान गए हैं वो लोग भी पक्का बोलिएगा। तो आज का ब्लॉग यही खत्म कर रहे, तो फिर मिलेंगे कल एक न्यू ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।